परलो ये जाना है, उरलो में जाना। मतलब काम बांट रखे हैं। हाँ बांट रखे हैं। ज्ञान गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालय बजरू तेजपुरा। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सेकंड मुलाकात है जो भाई साहब से हो रही है, लेकिन अगेंस्ट की जो ज्वाला है, बात ज्वाला देख सको कि मतलब कितनी जबरदस्त ऊपर तक निकल रही है। और थाने जान के हैरानी होगी कि जो पिछले एपिसोड में बंद करते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब गर्मी महीने ऊपर हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इन एकदम बंद कर दो। तो जो पिछले एपिसोड में आपने थाने बात बताई, और आज माता जी है मेरे कने, गृहिणी है, एक गृहिणी ने कितो फायदे हुए हैं जैविक खेती को, इन पर आप चर्चा करने लग रहे हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा पकाव है वो हो सके। बंद ही कर दो इन्हें, जमा ही बंद कर दो इन्हें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीनों आ गए मैंने एक मिनट के मायने। तो राम राम साहब। पहला मतलब लकड़ियों काम करे करता थे? काम करता लकड़ी में। हाँ। इतना साल। अच्छा, और अभी जी हाँ, मतलब वो दो महीना हो गया वो जैविक खेती लग गई है। दो महीने गया, घणो आराम हो गया मात। अच्छा, घणो ही फायदो यो। हां यो मैं बजे हो यो ओम जी करे मार निहाल कर दिया मान। तो पहला जी हाँ, मान लो कि गैस लेता खत्म हो जान, तो या फिर 1000 रुपया भी, वो मतलब रेट भी 1000 ज़्यादा है, बाबी एक समस्या रहती, तो थाने यह मन में हो पहला कि भाई इतो काम गैस हो सके? मतलब नहीं, इतने मन में ही कौन है, गैस 1000 रुपया चढ़िया जन, मैं तो गैस बंद ही कर दी लाऊ ही है। रो ये जन गुणी फायदो होगी मार, तो बेच जी फायदो है, तो कोई टेंशन कौन, जैसे जन जगह रोटी बना ला, सब्जी बना ला, चाय बना ला, दूध गर्म कर ला, सब घर में। पहला मतलब यहाँ लागत हो कि गैस अगर फालतू चल रही है तो भाई साहब, अरे वो फालतू गैस क्यों चला रखे हो? तो बंद करो गैस, चाहे फालतू। हाँ, आज खोलो खोलो पोल, खोलो आज से भाई साहब की, क्योंकि सारा की पोल खुल रही है आज। उर्मूल डेयरी है जो ओम जी काम करे, ओम जी काम करे, आई कराए मार। तो अच्छा, फिर पहले दिन थे गैस जलायो, थाने यहाँ यकीन हो गया होगा भी वो गैस सक्सेस हो सके? न्या लुगिया छोरिया कह बा कर रोटी हूं करू, हूं करू रोटी, न्या लुगिया मैं तो कोट गुणी लागी मान। अच्छा, और जी सामान्य गैस पर रोटी बनावा, मान लो 1 किलो आटो पकाओ या सब्जी बनाओ, तो भी मैं अमूमन मान लो अगर आधो घंटो लगे, तो इमें कितो टाइम लगे? वो इमें तो आधो घंटे में सगड़ो ही जे सारो ही सारो ही काम है, चूल्हा में 1 घंटो लाग, तो ज्यादा ही लाग जे, आंखिया फूटन लाग जे, छोरिया लकड़ी ले रहो, छोरे छाणा लाओ, और सर्दी के महीने तो आराम आ गयो, और भाई तो गर्म रही, गर्म रही है ना। तो सर्दियों में तो तन के जन मार तो बाहर जगाने की जरूरत ही करनी पड़े, क्योंकि इनमें तो आज अभी तो हल्को सो जगायो पसीनो ना आ दियो, तो आ रसोई बंद कर, और सर्दी के मैं आराम रोटियां जी माने जी ना जाने कोई रजाई में बैठो, इतनी गर्म है। तो मतलब एक तरह हीटर को भी काम करे वो? हीटर को नहीं, हीटर में अभी जे हॉल में जगह बैठ जाने आप। हाँ। तो हीटर में बेसिक रहे थोड़ा गो। हाँ, इतो गजब गर्म। हाँ। मैं तो पहले बहुत जगह नहीं दिन में, क्योंकि इतो गर्म है दिन, आप रसोई में रोटी किया करा किया बैठी जी। हाँ। पर बिन वा मैं तो वो पूरा जगह दियो, पूरा जगह नहीं गो तो इतो हड़बोट हुआ। अच्छा, बस वो धीरे धीरे थोड़ा कम करे जन भी साहब, एकदम एक 2 किलो थे पिछले एपिसोड में बात करी, भी 2 किलो गैस है जो डेली में बने है, पर डे 2 किलो गैस बन रही है, तो इनमें थे जोर मार के आधो किलो खर्च करो, आधो किलो मसा, क्योंकि आधो किलो तो दिन में अभी कम कर, रोटी जो मैं 8-10 दे, तो भी मैं आधे घंटे के मैं तो टोटल दूध गर्म हो जाए, रोटियां बन जाए, सब्जी बन जाए, चाय बन जाए, तो आधो लीटर इनमें गैस बढ़ाए, और जो 1.5 किलो बचत है बस सर्दियों के मायने देर रात तक तप के भी कर सके, तप तप आराम टाइम पास करना, तो बाबा गर्म हो जी होल के मैं से हल्को सो 1 घंटो तक आए जो नहीं, तो रात ने मकान एकदम गर्म गर्म रजाई नहीं अड़की रागनी पड़ी, तो 2 किलो गैस डेली बने, 2 किलो आप मतलब तप भी सका और सारो काम है जो कर सका, और 1.5 किलो के अंदर अंदर बहुत सारो काम हो जाए चला सका, है ना भी। तो मान लो तपन नाले काम हो जी, रोटियां ही बन जी, और रोटी जिमा जीते अपन के नहीं तो गाबो ऑर्डर बैठना पड़े, थोड़ी सी देर मतलब चलाई हुआ है, ते देख सको बूंदा निकल रही है पसीना की, तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम लगा दियो, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम लगा दियो, घरे टावरा कन सिस्टम आ गयो। पहले दिन फिर घर में के बने हो, मतलब पहले दिन ओ जगह जना। हाँ। पहले दिन आलू बनायो, आलू बनाया के मन ध्यान हो कि नहीं, कि तो मीठो बनेगो भाई, वो तो देखो कोड हो। हाँ। मैं कि भाई चूल्हो नयो चूल्हो है अपने। हाँ। चलिए आलू ही बनावा और। हाँ। के बनावा, बाकी तो चीजें बाद में बनती रही। हाँ।
एक मैं चूल्हे ने मिठो ही रखा मैं कारो क्यों करा तो अलवो कितने देर में मणियो इम पर दस मिनट पानी गरम कत लागी दस मिनट अलो बनाओ तो लागी मान लो उन भी आटो भुनी जो जीते उन पानी गरम हो गया चूल्हा दो है ना दोनों बराबर बहुत भी मत एक से दूसरो चालू कर दे होता जना एक बंद हो जाऊं तो इमें दोनों बराबर चाले एकदम फुल तो वो एक में पानी गर्म हो गया एक में आटो रेडी हो गया तो मतलब 10 मिनट में हलवो रेडी करके आंख खा लियो 10 मिनट के मात्र। तो अगर थे भी हलवो बनाना चाहो तो भाई बायोगैस है जो यूज में लो और विशेष तौर पर माताजी थे देख रहे हो कि किसान हैं जो किसान मतलब जहाँ थे एक बहुत इस क्षेत्र में बैठे हो कि थाने गैस की टैंकी लाने बहुत दूर जाना पड़ेगा बहुत दूर अरे कच्चो भी बहुत है ना और कच्चे में आता आता कई बार गिर भी जावे है ना बहुत दूरी पहुंचता है क्योंकि कच्चे का मैं लाता हूँ फेंक फेंक एक साइड में टंकी भेजना भाई गिरने को बहुत ज्यादा डर रहे भाई भी यहाँ टंकी नहीं है तो भी अमूमन आदमी गिरी जावे कभी कभी तो ये तो अभी कटी जानो कोई आनो एक पैसा भरना 1000-1100 रुपया तो गैस की टंकी का लागता जाऊं था बुजू दिना 100-150 रुपया में पेट्रोल खा जाऊं थी खोटी हूं था दाढ़ी लागती बाद दिन में कोई काम कर ला भी थी टाइम में तो मान लो 1500 रुपया में फायदा हुई बिल्कुल। और कच्चा इतना है कि बाद में गिरे बाद में आप बहानो ले इसका कि मोटरसाइकिल लागू उठे तो आप के करा के गिरनो ही है डर ही तो और क्या बहुत बहुत डर हो ही पर अब मान लो इन 1000-1500 रुपया में फायदा हुई तो भी गैस में तो एकदम एक सेकेंड फालतू चलानो को नहीं और जब 10 मिनट उन बार निकल गया तो चले तो चले पड़ियो बिल्कुल सही है। कोई निवड़े थोड़ी है बल्ला रहे मान तो 2 लीटर बनाए में मैं 2 लीटर मारे लाख को सिकेन तो भी टाइम तो भी वो एकदम खट को चालू करियो काम हो गयो फटकन पहले बंद करो और बाद में बाहर निकलो अभी जो निकल जाए भूल में तो कभी 20-20 मिनट आधा दो घंटा वहीं चाल बोबरा लकड़ी लकड़ी के भी थे यूज में लेडो है मतलब वो चूल्हों में देख पा रहे हूँ कच्चो चूल्हो है कच्चे चूल्हे मतलब थे लकड़ियों में भी बहुत पकवान बनाया हो सी पहला तो लकड़ियों के समस्या होती मतलब पहला मतलब बहुत ज़्यादा धुओं आंखें में धुओं जानो फिर मतलब चिमनी तो थे सद बना रखी है ऊपर फिर भी मतलब क्या समस्या होती समस्या होती घणो दूध सण दुकान तो चंद दूध हिंगड़ाई जो तो को जो जी दूध अरे भले की बनाओ भले दूध सही रहे एकदम सही रहे। और दूसरी दिक्कत आ है कि आंखें में धुओं जानो आप बहुत मोटी समस्या होती एक ग्रहणी के लिए गोटी जाऊं तो मैं दीज तो कौन आदमी बैठो भैया अभी थोड़ो गेट बंद हो गया अभी हम हवा चाल है हवा तो भेड़ो हो गया दुगनो तो वो तो हो ही मुदू में क्यों दुगना का तो रसोई था देख लो काली टेंट टूटी पड़ी है अभी मैं तो अभी कलर करा दोबारा रेडी करा दिन बाबी से थोड़ी सफेद बिल्कुल रसोई है जो ऊपर उठे देख सको मतलब एकदम ब्लैक कलर में हो चुकी है पूरी पूरी तो आज समस्या रहती तो जो बायोगैस है आज आप स्पेशली महिलाओं पर बात करें यहाँ की जो किसान है जो किसान दूर दराज इलाका में बैठे अभी गैस की टैंकी लानी बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है और गैस अचानक खत्म हो जाए पतो कौन सा डबल टैंकी नहीं है बीच में रह जाए सब्जी अलग है गैस खत्म हो गया राम कोई मैं आंधी रोटर नहीं दबदन चलू करी रोटी बनाई कोई टेंशन कौन है जन दौड़ता लकड़ी लाओ पोगड़ा मकट लाओ एक महीने में चलाऊ था जना जब पूरा तो चलाऊ था जन महीनों सरती कौन नहीं चाय चाय बनाऊं था भी मैं चाय बनाऊं था दिन 2 महीना काटा पीलो करता अभी केक रहा 1000-1100 रुपया रोज नहीं लावा कहूँ घोड़ गो कमाई तो है कौन बिजनेस तो मार तो खेती वालों आ 6 महीना मारे पर कोई वह 2 रुपया की इनकम जितने कहूँ लावा तो ओ इन मैं कोई लानो नहीं कोई हाथ की मेहनत गोबर भले पर ने खेत में रेडो और भले ही टप में रेडो बरोबर है यहाँ चाटी उनसे पोटा किलो एकदम हर सलाद कोई टेंशन कौन बस मतलब वो प्रोसेस में थारू समझना चाहूंगा जो गायों को जो गोबर है जिकन वहाँ पा पोटा बोलना या बे गोबर है बे गोबर कोई गालना पड़े या फिर सीधा भी टैंकी में गालना पड़े आप प्रक्रिया कितना बजे करो थे आ तो जैसे से नहीं कर सका गैस चाल बोक रहे शाम की शाम को गाड़ दूं रवीम गादा ने सुबह रो गाड़ दूं दो टाइम मतलब वो काम थे ही करोगे हाँ वही करना थे कभी कभी आंख कभी आंख कर रहे हो थे कभी अभी तो नू काम कोड डांगी को मिटियो ना तो एकदम कोड मिट जी जिन बाद में मैं काल हां तो मौको ही कोदान में काम हो जित ही कर ला मैं सारे साहब रे नहीं के अंग कोड थोड़ सो बेबी ने रपट रपट एकदम मान तो मरी को नहीं तो आ एक बहुत बढ़िया बात है कि आ प्रोजेक्ट तो लगायो थारे वास्ते है ना मानो तो कर दी जो गुणी में और लुगाई रु काम है कर लावा यार बाया जो स्कूल वाली है जो कोई के हाथ को करा मैं पोटा भाई हूं कर लो हाथ पोटा मान जरूरत है गोबर गोबर बतायो जावे कि ई तो एक शुद्ध है गोबर की मतलब घर में
पक्के घर में भी कई लोग है जो चूल्हो है जो गोबर पोता है रखा ना चूल्हो एकदम नीप ला चोखो तो हाथ गारो नीपा पहली कणाई कच्चा लार लड़े जा मारी कच्ची डाणी घनी नीप थी एक एक महीनो तो इमें 5 मिनट लागे के कोज थोड़ी हाथ पोटा कट पड़िया है इन्हें मतलब गोबर ने पानी में एकदम मिक्स करना पड़े मतलब एकदम राबड़ी जन कर ला एकदम कर पाइप वो खुल कर दन बूझे माया अच्छा अंदर जा रहे जाप रहे और जो गैस है वो अपने इनली साइड आ गयो और जो जैविक खेती में काम ले वो परली साइड जमा हो गयो परलो ए जाना है उरलो में जाना मतलब काम बांट रखे है बांट रखे अंतिम प्रश्न थारू दोनों अंतिम एक एक प्रश्न करना चाहूंगा कि शुरुआत में जब मतलब प्लास्टर वगैरह ले गया पाइपा वगैरह ले गया तो थे या क्या को नहीं के वो के करो थे मतलब उमदा काम करने लगा माना बता दी पहले हाँ। कि आप पर गैस लगाना है तो मैं न्याल कर दो वो लगाओ थे बाबड़ कह रहे आप लगवा दियो और पहलो आमने लग गया थे पहलो थारी लग गया पहलो मारी लग गयो बहुत बढ़िया भाई साहब अंतिम प्रश्न थारू करना चाहूंगा कि थे जी मतलब सारी प्रोसेस बता दी पिछले एपिसोड में बहुत बता दी ई एपिसोड में बता दी अब एक दिल प्रश्न करी और दिल रिप्लाई मन मिलनो चाहिए मतलब एकला अलू करके खा गया कोई मतलब कोई बतलाए एकला तो के खा दो बन मैं अभी यूं के रोई के मैं बैठा दिन अब के कन्ने वे तो पड़ोसन में तो उन्होंने थोड़ा मैं नहीं जगह है बार बार नयो गैस लागियो थे थोड़ा कोई मुंह मीठो करन करन मैच समा नहीं जगह उर्मूल डेयरी का जगह बात कर रहे हैं ओम जी बन ने भी बुलाया गया ओम हमारे जी में तई रहे हम से आओ ओम जी तक ओम तभी कह तभी बना दा यार ओम क्यों गांगे फील्ड के मैं काम ज्यादा रहे तो मैं तो उर्मूलला ने एक बार कियो मैं कि भाई थे एक दिन मारी में थोड़ी बधाई ले लो तो मुंह में ठोकराऊं था नहीं मारे तो फायदो करे बावड़े लुगाई टावरंग तो मैं कियो ए कियो के टाइम मिली जिने एक दिन थर जरूर जिमाएंगे गोट बनाओ थे तो मैं टाइम मिली जना गए आवा में जना तो मैं गया तो ले आया पहल बहुत दिन में तो एक थोड़ा सा कोई महीनी मेरे पले टूटो मैं गया किस गैस बना था के है मैं कुंकर गैस लागी बस आ एकदम आमने टैंकर वाले दाई काटी बारह दिन बस ठा पड़ी मान तो मैं गया है ही एक तरह की ढोल की आबा छोटी है मोटी है इतनी बात है बिल्कुल तो हम लोग इन भी न के हमारी बणो होई सो अच्छा मतलब लोग भी थन देख देख के लग रहे हैं हमारी बणो हो के न्याल कर दिया के थार बड्डी की सो चाल भाई घणी चाल लम आके तो माता जी आज तो अमेरिकन समय को अभाव है लेकिन मैं थारू और ऑडियंस हूं एक वादो करके जाऊं कि नेक्स्ट मुलाकात जब भी होगी इन पर आपा खिचड़ो बना के खवाऊंगा और सारा सदस्य बैठ के खवाऊंगा और थाने भी बताऊंगा कि बायोगैस हूँ खिचड़ो किया बने तो आ देसी जो मुलाकात होगी माता जी सागे होगी और भाई साहब की क्लास लेवांगा भी दिन गोबर आंकन मिलवाऊंगा ठीक है मिला ला मारत की संगो कौन मिला मैं क्यों कौन भाई खिचड़ो है तो देसी चीज है बढ़िया बनावा तो गजब खाना बनाएंगे तो अपन तो यार एकदम मिला ला के मिलाने में आम शंको कौन में बना दो जिमा दो एकदम के जरूर बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद तो भाई बायोगैस लगवाओ कच्चे के मायने ना चलो फिर कच्चे के अंदर गिरोगा और फिर दोस्त देगा कि मोटरसाइकिल अकू उठ गयो ठीक है तो पढ़ने हूँ बच्चों मोटरसाइकिल कदी आगू कौन उठे अनकंट्रोल हो जाए जब पड़ जाए ई वास्ते भी टैंकी को जो को भार है वजन है बिंगो अगर थे पीछो छुटानो है तो बायोगैस लगाओ जैविक खेती अपनाओ तंदुरुस्त रहो मस्त रहो और बजाता रहो और खड़कांता रहो बैल घंटी नमस्कार।